Assalamu alaikum and a very good morning. So let's continue with the question number one, the part two of it, which is 27. So let's solve it. So here we will let x be the cube root of 27. That means कि हमने x को 27 का क्यूब रूट बना दिया, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x क्यूब इक्वल टू 27, तो यहाँ पे माइनस 27 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम 27 को रिड्यूस करेंगे, उसको भी देखते हैं. पहले हम लिखते हैं यूजिंग क्यूब फार्मूला, तो यहाँ पे हमारे पास हुआ x का क्यूब माइनस 27 का, जो हम लोग अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, आई मीन a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास हुआ a माइनस 3 ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 का स्क्वायर. तो x माइनस 3 हमारे पास एज इट इज, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर और फंक्शन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 3, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम a को 1 लेते हैं, b को 3 लेते हैं और c को 9 लेते हैं, और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ हमारे पास चलेगा x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1. सो यहाँ पे हमारे पास होगा x इक्वल्स टू माइनस 3 ब्रैकेट प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 माइनस 36 अपॉन 2. सो यहाँ पे हमारे पास होगा x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपॉन 2. इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं बोर्ड इरेज करती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास आया था x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपॉन 2. अब हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2. आयोटा हमारे पास यहाँ पे इसलिए काम आता है कि हम माइनस को हटा सकें और हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए. यहाँ पे हमने 3 को कॉमन निकाला और अंदर माइनस 1 आया, प्लस माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ गया. अब हम यहाँ पे पहले वाला काम करेंगे जो हमारे पास था, कि x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2. देन हमारे पास आया 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2. हम लोगों ने पढ़ा था
ओमेगा जो है वो माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू के बराबर होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। यानी कि हमारी पहली एक्स की वैल्यू आ गई थ्री ओमेगा और दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई थ्री ओमेगा स्क्वायर। सो वी विल राइट द बोथ वैल्यूज़ इन अ सॉल्यूशन सेट विद कर्ली ब्रैकेट्स। सो वी हैव हियर कर्ली ब्रैकेट्स थ्री कॉमा थ्री ओमेगा कॉमा थ्री ओमेगा स्क्वायर।